हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आम पन्ना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए मैंने आम के पीसेस काट लिए हैं, छोटे छोटे हैं, और उसे पानी में उबाल आने तक के लिए मुझे पकाना है। थोड़ी देर इसे पकाने के बाद फिर इसे पानी से निकाल लेना है बाहर। जब तक आम उबल ना जाए तब तक चलिए हम इसके लिए शुगर पीस लेते हैं, चीनी को ग्राइंड कर लेते हैं। आम के क्वांटिटी से जस्ट डबल मुझे शुगर ऐड करना है उसमें और इसे ग्राइंड कर लेना है। शुगर के साथ मुझे डालना है, मैंने ये लिया है थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर और इन छोटी इलायची के पाउडर, दो इलायची मैंने कूट लिया है बारीक, और इन सबको एक साथ ग्राइंड कर देना है। ये लीजिए चीनी मैंने पीस लिया है और बाकी सारा इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गया है इसमें। अब इसमें मुझे सिर्फ पका हुआ आम जो बॉईल हो रहा है उसे इसमें डाल देना है। तो चलिए उसे पानी से निकाल लेते हैं। आम को मैंने पानी से बाहर निकाल दिया है और ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है। अब ये चीनी में मिलाया जा सकता है, चीनी में मिला के मुझे इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए मैंने इसे इसमें चीनी में मिला दिया है, अब इसे मुझे ग्राइंड करना है। ये हो गया तैयार आम पन्ना का पेस्ट, अब मुझे इसे सर्व करना है। सारा आइटम रेडी है, बस सर्व करना है मुझे। आप इसे बर्फ़ में मिला के आराम से पी सकते हैं। तो चलिए इसे ग्लास में डालते हैं। सबसे पहले ग्लास में पेस्ट डालना है आम पन्ना का। अब इसमें पड़ जाएगा आइस। अब इसमें पड़ जाएगा चिल्ड वाटर। और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये लीजिए आम पन्ना तैयार है बनके। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, ये गर्मियों की फेमस रेसिपी है, तो आप अपने घर में एक बार ट्राई करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।